दूसरी जो मखलूक है वो कभी बीमार होता होती है? वो बीमार नहीं होती है ना? आपने नहीं देखा होगा कि जिस तरीके से इंसान के आंखों के डॉक्टर हैं, नाक कान गले के डॉक्टर हैं, किडनी के डॉक्टर हैं, पेट के डॉक्टर हैं, हड्डी के डॉक्टर हैं, एक एक जोड़ के, एक एक पुष्प के डॉक्टर हैं, दूसरी मखलूक के कोई डॉक्टर नहीं होते हैं। जानवर का डॉक्टर होता है, जानवर का डॉक्टर नहीं होता है। क्यों? इससे कि जानवर गुनाह नहीं करता है, इंसान गुनाह करता है। उसकी गुनाह की वजह से उसकी रोजी में तंगी, उसकी गुनाह की वजह से उसकी सेहत की बर्बादी। अब आप बैठ बैठ के सोचेंगे, नहीं आजकल तो गाय के डॉक्टर मिलते हैं ना? हर गाय के डॉक्टर नहीं मिलते, जो गाय आपके साथ रहती है उसी के डॉक्टर मिलते हैं, जंगल में जो है उसके डॉक्टर नहीं है। तो मालूम यह हुआ कि आपके गुनाह की वजह से गाय में भी बीमारी पैदा हुई, आपके साथ रहने की वजह से उसमें बीमारी पैदा हुई, जंगल में जो है उसमें कोई बीमारी नहीं है। हमारे गुनाह कैसे हमें तबाह कर रहा है? इस जमीन के ऊपर पहली मखलूक का नाम क्या है? इंसान आदम नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से पहले की जमीन के ऊपर दो मखलूक थी। आदम अलैहिस्सलाम से पहले और भी दो मखलूक थी जमीन के ऊपर। जब आदम अलैहिस्सलाम आए और आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आने के बाद अल्लाह ने कहा कि अब जमीन पर आ गए तो खेती बाड़ी कर दिखाओ, खेती बाड़ी कर दिखाओ। तो आदम अलैहिस्सलाम गेहूं लेके जमीन के ऊपर गेहूं को छिड़क दिए हैं, गेहूं छिड़क दिए। आदम अलैहिस्सलाम गेहूं छिड़कते जा रहे थे और उनकी आंखों के सामने गेहूं का दरख्त उगने लगा। पहले पौधा उगा, उसके बाद दरख्त हुआ, उसके बाद फल लगा, उसके बाद पका, बिल्कुल एक ही लम्हा में सब कुछ हो गया। अभी हम लोग कितने महीने इंतजार करते हैं? 4 महीने। अब आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में एक ही वक्त में सब कुछ हो गया। एक दिन आदम अलैहिस्सलाम, जब उनकी आंखों के सामने गेहूं का दाना बड़ा हो रहा था और पौधा बड़ा हो रहा था, फल लग रहा था, पुख्ता हो रहा था, पक रहा था, तो आदम अलैहिस्सलाम ताज्जुब के साथ देख रहे थे। तो अल्लाह ने जमीन को जबान दे दी, जमीन ने कहा, अय आदम, आप मुझे घूर घूर के क्यों देखते हो? ताज्जुब की निगाह से मुझे क्यों देखते हो? तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी ताकत पर मुझे ताज्जुब हो रहा है कि इतनी जल्दी मेरी आंखों के सामने सब कुछ हो गया है, इस पर मुझे ताज्जुब हो रहा है। तो जमीन ने कहा, आदम ये मेरी असल ताकत नहीं है, तुमसे पहले इस जमीन पर अल्लाह की दो मखलूक थी, उन दोनों मखलूक के गुनाह की वजह से अल्लाह ने मेरी ताकत को कमजोर कर दी है, वरना मेरी पहली ताकत होती तो तुम्हारे हथेली में गेहूं को उगा देता हूं। ये जमीन की ताकत थी, हमारे गुनाहों ने यहां तक पहुंचाया है। और अब का हाल क्या है? जमीन में खाद न डाले तो धान नहीं लगता। सही है, बोलो, खाद मालूम है ना? छा डालने के बाद फिर धान लगता है। और पहले क्या था? कुछ जरूरत नहीं थी। ये पूरे के पूरे हमारे गुनाहों की ना हो सकते। तो अल्लाह खालिक भी है, अल्लाह राजिक भी है। इंसान की भूख दो जगह लगती है, मेरी बात थोड़ी अजीब सी लगेगी आपको, मैं मुकर्रर नहीं हूं, मैं तकलीफ नहीं करता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, तो इसके थोड़ी बारीक बारीक बातें हैं, गौर से सुनिए।